जैसे ही आप ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, तो हम जो इसके अंदर प्रिपेयर करने वाले हैं, मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ एक बार, कि हम करेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। मैंने यहाँ पे एक लाइन डाल दिया। अब बोलोगे सर ये लाइन क्यों डाला आपने? मैंने इसको दो हिस्सों में बांट दिया। ऊपर वाले हिस्से को मैं प्रॉफिट एंड लॉस का नाम दूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट का, और नीचे वाले को प्रॉफिट एंड लॉस को। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप भी ऐसे ही लाइन डाल देना। फिर कुछ बच्चे पूछते हैं सर अगर हम ऐसे लाइन डाल देंगे, मान लो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर बड़े सारे इन्फॉर्मेशन हुआ, तो फिर ये लाइन से बाहर आ जाएगा, पीएनएल के पास पहुंच जाएगा, तो हम कैसे करें? सिंपल सा है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट के लिए 10 से 11 लाइनें छोड़ना, इससे ज्यादा कभी बड़ा होगा ही नहीं, मैक्सिमम 10 से 11 लाइन मैंने छोड़ दिया ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, और नीचे हिस्सा पीएनएल। ठीक है, ये बैलेंस शीट का लाइबिलिटी और ये बैलेंस शीट का एसेट्स। अब मैं बोलूं ओपनिंग स्टॉक कहां जाता है? ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने यहां लिखा, आपको जवाब देते जाना है, टू ओपनिंग स्टॉक, नोटिंग मत करना। मैंने कहा सैलरी बताओ, सैलरी बताओ, सैलरी ऑफिस का खर्चा है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने, तो टू सैलरी। मैंने बोला बिल्डिंग बताओ, एसेट्स है, तो बैलेंस शीट के एसेट्स में बिल्डिंग। बैलेंस शीट में बाय और टू नहीं लिखना, ठीक है ना, सिर्फ लेजर में चलेगा। मैंने बोला चलो आप मुझे बताओ परचेज कहां जाएगा? ट्रेडिंग में। मैंने बताया था परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, क्योंकि फैक्ट्री से रिलेटेड है सीधा ही, टू परचेज। और इसे मैंने बोला अंदर रखना, क्योंकि इसमें से माइनस करते हैं परचेज रिटर्न। मैंने बोला यहां पे के ऑफिस का रेंट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में लिखें या ट्रेडिंग में? पीएनएल में जाएगा, आपको याद है, तो यहां पे मैं लिखूंगा टू रेंट। मैंने बोला क्रेडिटर लाइबिलिटी, आराम से सोचना है क्या है, क्या इसका नेचर। तो आप देखो, अगर आप फर्स्ट क्लास याद करो जब रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट करवाया था, हमारे चार पॉइंट होते हैं, तो वो अब बहुत मदद करेगा आपको इसको करने में। इसके बाद अगर मैं बोलता हूं कैश इन हैंड एसेट्स, कैश क्या है मेरा? एसेट्स, या तो कैश बोल लूं या कैश इन हैंड भी बोल सकता हूं मैं। मैंने बोला कि एडवर्टीजमेंट किया मैंने पी एंड एल में, क्योंकि एडवर्टीजमेंट होगा कहां? ऑफिस में। मैंने बोला वेजेस ट्रेडिंग में जाएगा, ट्रेडिंग में, बिल्कुल सही आंसर आपका। अगर मैं बोलता हूं सेल्स, सेल्स भी ट्रेडिंग में जाएगा, बाय साइड, बाय सेल्स। अगर मैं बोलता हूं यहां पे डिस्काउंट कस्टमर को दिया, यानी डिस्काउंट अलाउड, प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि फैक्ट्री में कस्टमर नहीं आते। मैंने बोला फर्नीचर एसेट्स बैलेंस शीट में। मैंने बोला यहां पे आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी, आपको पता है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होता है। मैंने यहां पे बोला आपको बैड डेट्स, पैसे डूब गए, प्रॉफिट एंड लॉस खर्चा है, टू बैड डेट्स। मैंने
मैंने बोला यहां पे कैरिज, कुछ नहीं बोला तो हमेशा ट्रेडिंग में जाएगा, तो कैरिज। मैंने बोला फ्रेट आउटवर्ड, पी एंडल में जाएगा फ्रेट आउटवर्ड। मैंने यहां पे बोला आपको पोस्टेज या फिर स्टेशनरी, पोस्टेज एंड स्टेशनरी भी बोलते हैं, मैं सिर्फ स्टेशनरी बोल रहा हूं। मैंने कमीशन पेड किया, पी एंड एल में जाएगा कमीशन पेड, तो डेबिट साइड। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमें कमीशन मिल जाए, तो इस साइड आ जाएगा जब कमीशन मिलेगा, इनकम होगा जब कमीशन रिसीव होगा। समझ में आया आपको? ऐसे मैं बोलूं डिस्काउंट रिसीव इनकम, डिस्काउंट रिसीव, ध्यान देना बोर्ड पे बिल्कुल। मैंने बोला सपोज करो आपका मशीनरी एसेट्स, मैंने बोला कैपिटल लाइबिलिटी, कैपिटल क्या होता है हमारा? लाइबिलिटी, ध्यान रखना है आपको कैपिटल लाइबिलिटी होता है। अब मैंने बोला ड्राइंग, तो आपको पता है कि कैपिटल में से ड्राइंग माइनस होता है, तो यहां माइनस कर देंगे। इसके लिए सबसे ऊपर ही जगह रखना है जहां जहां मैंने रखा है। देखो एक ये चीज फिक्स रखना है और एक ये चीज फिक्स रखना है और एक ये फिक्स रखना है, बाकी तो ऊपर नीचे कहीं भी कर दो। मैंने बोला डेटर, डेटर क्या है? एसेट्स। डेटर के बाद मैंने बोला आपको बिल्स पेबल, बिल्स पेबल को तो पता ही क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बिल्स पेबल को बीपी भी बोलते हैं। और बिल्स रिसीवेबल यानी बीआर। मैंने बोला बैंक को ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, मैंने बोला इलेक्ट्रिसिटी बिल पी एंड एल, ऑफिस में होगा। मैंने बोला पावर, मैंने यहां पे बोला सपोज करो इंटरेस्ट का खर्चा, मैंने लोन लिया उसके ऊपर ब्याज देना पड़ रहा है, पी एंड एल में जाएगा क्योंकि ये ऑफिस का काम होता है। मैंने बोला मैनेजर का कमीशन, पी एंड एल में। मैनेजर कमीशन पी एंड एल में जाएगा। मैंने यहां पे आपको बोला वाटर बिल, पी एंड एल में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन का खर्चा, मैंने बोला रेंट रिसीव किया है, पी एंड एल के क्रेडिट साइड। सेम ऐसे इसके अलावा हम डिविडेंड भी रिसीव कर सकते हैं। देखो जब हम कहीं पे शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो जिस कंपनी में पैसा लगाया जा सकता है वो कंपनी जब मुनाफा कमाती है तो हमें भी कुछ हिस्सा देती है, तो उसको डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? डिविडेंड। मैंने यहां पे बोला आपको सपोज करो बैंक चार्जेस, तो पी एंड एल का ही खर्चा मानेंगे बैंक चार्जेस।
कमीशन को ही ब्रोकरेज भी बोलते हैं, वो भी यहां आ सकता है। अब इसके बाद मैंने यहां पे सपोज करो बोला कि लॉस बाय थेफ्ट, अब डिपेंड, हम हमेशा मानेंगे ऑफिस या तो लॉस बाय थेफ्ट छोड़ो, इसे आगे भी देखेंगे, ऑफिस के कंप्यूटर वगैरह को रिपेयर करवा दिया, बताओ कहां आएगा रिपेयर? इसके बाद ऑफिस में मशीनरी वगैरह है या फिर मशीनरी पे डेप्रिसिएशन, ये भी खर्चा है पी एंड एल में। नहीं, हमारा ऑफिस डिपार्टमेंट चार्ज करता है इस पे, कितना लगाना है नहीं लगाना वो देखते हैं, वो पूरा प्रोसेस, इसलिए हम यहां डाल देते हैं। अब इसके बाद मान लो कन्वेंस हो गया, ट्रेवलिंग एक्सपेंस हो गया, कहां आएगा? पी एंड एल में। ट्रेवलिंग एक्सपेंस यहां होगा, एक एक्सपेंस मैं पूछता हूं, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको हम R&D भी बोलते हैं, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहाँ किया जाता है? नहीं, करते कहाँ है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा होगा तो फैक्ट्री में होता है रिसर्च मेनली, तो अगर R&D का एक्सपेंस आया तो आप ट्रेडिंग में दिखाना, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन पूछा जाए R&D का खर्चा यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा तो ट्रेडिंग में दिखा देना है आपने। एक एक्सपेंस होता है ट्रेडिंग एक्सपेंस, तो बच्चे बोलते हैं सर ट्रेडिंग एक्सपेंस तो नाम जो लिखा है डाल दो, नहीं, ट्रेडिंग एक्सपेंस पी एंड एल का पार्ट होता है। टू और भी बड़े सारे खर्चे हैं, पैकिंग एक्सपेंस है, पैकेजिंग एक्सपेंस है, पैकिंग एक्सपेंस यहाँ पे पैक होता है, पैकेजिंग हमारा कई बार ऑफिस में भी हो जाता है, वो पर्टिकुलर बताएगा, नहीं बताता तो जहां मैक्सिमम आप पैकिंग एक्सपेंस कहाँ रखोगे? पी एंड एल में, ठीक है। अब और भी बहुत सारे खर्चे हैं, देखो खर्चे में लिखवाने लगूं तो व्हाइट वॉश का खर्चा हो गया, अब इसके बाद फैन रिपेयर हो गया, ट्यूबलाइट चेंज करवा दिया, इसके बाद मैंने छोटे मोटे वर्कर को चाय वाय पिलाया ऑफिस में बिठा के, लंच वंच करवा दिया, तो इन सबको मैं मिला के करता हूँ जनरल एक्सपेंस। प्राइस बांट दिया मैंने, ठीक है, ये सारे खर्चे हैं। अब मान लो मैं यहां पे जो ट्रेडिंग में खर्चे और भी आ सकते हैं, समझ में आया आपको? अब मुझे एक बात बताना है, क्या मैं ये सोच के अकाउंटिंग कर रहा था कि पहले मुझे ट्रेडिंग बनाना है? क्या मैं ये सोच के अकाउंटिंग कर रहा था कि ट्रेडिंग के बाद मुझे पी एंड एल बनाना है? क्या ये सोच के कर रहा था ये दोनों बनेगा तब बैलेंस शीट? आप, हमने क्या करा, जो क्वेश्चन था हमें पता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन को कहाँ पुट करना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक फॉर्मेट तैयार करना है, और फॉर्मेट हमेशा यही आमने सामने रखना है आपने, और ट्रेडिंग के लिए कितने लाइन छोड़ने हैं, 10 से 11 लाइन, उसके बाद सारा नीचे का लाइन जो रजिस्टर का बचेगा वो किसमें यूज कर लेंगे, पी एंड एल में। उसके बाद जैसे जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा करते जाएंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगा कहां से? ये सारा का सारा जो भी इंफॉर्मेशन है आपको ये मिलेगा ट्रायल बैलेंस में से। आपको ट्रायल बैलेंस पता होगा कि बिल्डिंग लिखा है तो आप डेबिट में लिख देते थे, याद है, क्रेडिटर लिखा है क्रेडिट में, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वहां से पिक करना है और बारी बारी करके जिसकी जो जगह है वहां पे भेजना है। अभी बहुत सारे लाइबिलिटी भी जरूरी थोड़ी है मैंने सारा लिखवा दिया, वो तो बस एक आपका नॉलेज बिल्डअप हुआ। मैं बोलूं अगर मान लो एडवांस में इनकम ले लिया तो लाइबिलिटी है, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट्स है, लिख देता हूं प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड एक्सपेंस बताओ एसेट है, गुडविल बताओ एसेट्स है, हालांकि गुडविल बैलेंस शीट में नहीं आता कभी लेकिन मैं खरीदते हैं तो आ सकता है, बस मैंने लिख दिया, ठीक है अभी के फिलहाल के लिए। अब देखो अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर स्टॉक गिवन होगा तब तो हम ट्रेडिंग में नहीं दिखाते, लास्ट क्लास में सीखा था, तो कहां दिखाएंगे? सीधा बैलेंस शीट में। लेकिन सर अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर हुआ स्टॉक तो सर ट्रायल बैलेंस के बाहर होता क्यों है पहले ये तो पता करो। जब हम ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई चीज लिखना भूल जाए, कोई मिस्टेक हो जाए तो बाहर लिखते हैं, तो जो ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा जाता है इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट, उसको क्या बोलेंगे हम? और एडजस्टमेंट की दो जगह एंट्री करेंगे हमेशा,
तो ट्रायल बैलेंस के अगर बाहर हुआ तो यहां पे तो आएगा हमारा एक क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में। अगर सर बोल रहे हो ट्रेडिंग में आएगा तो एक ही एंट्री हुआ ना, दूसरा बैलेंस शीट में चला गया। यानी अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो एक ही जगह बैलेंस शीट में, और ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट में तो एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, अमाउंट सेम रहेगा, ऐसा नहीं कि अमाउंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हुआ आपका। अब इसके बाद देखो टोटलिंग में क्या करेंगे, इसको हम टोटल करते जाएंगे, टोटल करते जाएंगे, टोटल करते जाएंगे, ध्यान से टोटल करेंगे और यहां पे हमारा निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ये बैलेंसिंग फिगर होगा, लेकिन क्या हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, इधर निकला तो जीएल। मैंने फर्स्ट डे जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने बोला था एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, एक पीएनएल बनाएंगे, एक बैलेंस शीट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल में जाएगा, पीएनएल तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, पीएनएल में ले जाने का टाइम आ गया। पीएनएल कहां है, मिल रहा है यहां पे, ये पीएनएल ही है, तो इसको यहां से यहां ट्रांसफर करेंगे बाय बाय ग्रॉस प्रॉफिट। समझ में आया, जो ट्रेडिंग से रिजल्ट निकला यहां ट्रांसफर कर देंगे, अगर लॉस आया तो इधर ट्रांसफर। अब यहां फिर से टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद कोई ना कोई तो रिजल्ट आएगा। आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस से या तो नेट प्रॉफिट निकलेगा या नेट लॉस। नेट प्रॉफिट निकला, यहां पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट, और इधर अगर निकला तो बाय नेट। अब देखो हालांकि ये वाला कहां जा रहा है, पीएनएल में। मैंने बताया था जब कोई भी अमाउंट किसी दूसरे अकाउंट में जाता है तो वहां का एड्रेस लिखा हो जाता है, तो यहां पे लिखना चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल, और यहां लिखना चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग, ये लिखना चाहिए। सेम यहां का नेट प्रॉफिट कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, तो बैलेंस शीट में पता है कहां जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा नेट प्रॉफिट। तो मुझे नेट प्रॉफिट के आगे क्या लिखना चाहिए, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट नहीं कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल में जुड़ता है हमेशा। ठीक है, अब दो एक्सपेंस ऐसे हैं जो कि जनरली बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बताओ कहां जाएगा, इनकम है एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नेचर बताओ पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरल एंट्री में बहुत बार बताया मैंने ये, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पहले बताओ नेचर क्या है, एसेट्स है, इनकम है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, तभी तो हम सोचेंगे कहां लिखेंगे, पहले नेचर बताओ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है, मैं मालिक हूं बिजनेस से, मैं ड्रॉइंग करूंगा, बिजनेस बोलेगा ब्याज दो तो मैं बिजनेस को ब्याज दूंगा, तो इनकम होता है। ये मैंने लिखवाया हुआ भी स्पेशली और अलग से जर्नल एंट्री में करवाया हुआ, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है जो इधर आएगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस होता है जो किधर आएगा, इधर आएगा। ये हर बार मैं बताता हूं और एग्जाम में जब भी आएगा बच्चे गलत करके आएंगे, मुझे पता है, और हर बार मैं सोचता हूं कि कोई ना कोई आंसर दे लेकिन भूल जाते हैं बच्चे। तो देखो हमने क्या सीखा अभी, एक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ट्रेडिंग में से जो रिजल्ट निकलेगा क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, कहां डाल देंगे, पी एंड एल से कोई रिजल्ट निकला कहां डाल देंगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। लेकिन अगर मान लो लॉस निकला तो माइनस कर सकते हो, अगर माइनस नहीं करना तो एसेट साइड भी डाल सकते हो, वैसे कई बार आपको देखने को मिलेगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब इसको बनाने के लिए क्या हमें पहले इसके लिए कितने लाइन छोड़ने हैं, 10 से 11 लाइन, और बाकी सारा पोर्शन ये, और बाकी हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा। कैसे अलग अलग, आपके पास एग्जाम में अगर 4 घंटे है तो अलग अलग करो, ठीक है ना, जिसके पास ज्यादा टाइम है। कुछ बोलते हैं कि सर हम एक काम करते हैं इसको अलग से बना लेंगे, इसको अलग से, तो टाइम ही लगेगा ना अलग करने में, कॉलम ऊपर भी पर्टिकुलर डेबिट वगैरह लिखना पड़ेगा। अगर एग्जाम में एक्स्ट्रा टाइम है तो अलग अलग करो, कोई मना ही नहीं है, आप कर सकते हो। अब जीएसटी पे आते हैं, एक पॉइंट रह गया हमारा, हमें यहां जीएसटी वैसे सेटअप करके लिखना है तो, लेकिन मैं अभी फिलहाल के लिए बता देता हूं, एक हमारा होगा अगर इनपुट जीएसटी तो इधर आएगा, मैंने यहां जीएसटी लिखा, सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी ये सब नहीं लिखा, इसका मतलब ये अभी डिटेल में जाएगा बाद में। अगर हमारा होता है आउटपुट, सब है इसमें जुड़ा हुआ, तो इधर आएगा।
लेकिन अब हमारा या तो इनपुट होगा या तो आउटपुट होगा, दो में से एक होगा, वो नेट सेट ऑफ एंट्री सीखेंगे। तो ये बन गया ट्रेडिंग और ये बन गया बैलेंस शीट। कोई दिक्कत? आपको एक्सपेंस का भी समझ हो गया कि कैसे कैसे करना है? चलिए अब आप फटाफट नोट करिए इसको, फिर इसके बाद देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट को।